उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर आज खूब हंगामा हुआ, जब कांग्रेस के विधायक महेश परमार और विधायक मनोज चावला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल दोनों विधायक बीजेपी सरकार की नाकामी को लेकर किसान मजदूर अन्याय यात्रा निकालना चाह रहे थे, जिसकी उन्होंने परमिशन भी ली थी। हाथों में तिरंगा लिए जब कांग्रेसी चले तो पुलिस ने महाकाल मंदिर से आगे जाने से रोक दिया। इस बात से नाराज होकर विधायक कार्यकर्ताओं के साथ मंदिर के सामने ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने आला अधिकारियों से कहा कि कोई गुनाह नहीं किया है, चाहे तो वो उन्हें गोली मार दे, लेकिन वो पैदल यात्रा निकाल कर ही रहेंगे। हजारों किलोमीटर आपके मोदी और आपकी सरकार व्यवस्था नहीं कर रही, और आप उल्टी बात करो, हमको रोक रहे हो जाने से, अपराध बताइए या गोली मार दो हमको, बैठ रहे अफसरों ने विधायक और कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो प्रशासन ने दोनों विधायकों को जेल चलने को कहा। वोटने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस ने हाथ पैर पकड़कर उन्हें पुलिस वैन में जबरन बिठाया और केंद्रीय भेरूगढ़ जेल भेज दिया, जिसके बाद विधायक महेश परमार ने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से किसानों के लिए आवाज उठा रहे थे। गांधीवादी तरीके से अनुमति ई पास लेकर उज्जैन से भोपाल पदयात्रा कर रहे थे। मजदूरों की आवाज उठाना, ग्राम से लेकर शहरवासियों की आवाज उठाना, रोड पर तड़पते हुए देशवासियों को मरने के लिए छोड़ देना नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ और मध्य प्रदेश की सरकार के खिलाफ, हम शांतिपूर्ण तरीके से देश का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। इनके काले कारनामे, इनके जो जनता विरोधी कार्य जो पिछले 60 दिन में पूरा देश लाइव देख रहा है, हमारी जनता देश का जिम्मेदार नागरिक देख रहा है, और हमारी जनता जो हमारे श्रमिक जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं वो मर रहे हैं। इस बात को लेकर हम शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे थे, लेकिन अगर ये मार्च गांधीवादी तरीके से हमें गिरफ्तार किया गया और हम शांति से कर रहे थे, उसके बाद भी अगर अपराध है तो ये अपराध ही सही। मजदूरों की लड़ाई लड़ना, किसानों की लड़ाई लड़ना, आम जन की लड़ाई लड़ना, मध्यम वर्गीय लोगों की लड़ाई लड़ना और देशवासियों के साथ जो षड्यंत्र हो रहा है उसकी लड़ाई लड़ना अगर अपराध है तो अपराध ही सही, और ये अपराध हम बार बार करेंगे और लड़ाई हमारी जारी रहेगी। आपको बता दें कि पुलिस ने दोनों विधायकों के साथ 7 कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है और धारा 144 समेत कर्फ्यू के उल्लंघन की धाराओं में केस दर्ज किया है। न्यूज डेस्क।